हाय मेरा नाम है अंजलि आनंद एंड यू आर वॉचिंग टेली रिपोर्टर अर्चना विल बी अर्चना एंड अर्चना शुड बी अर्चना तो कोई बात नहीं वो डिमोटिवेट करे हम नहीं होने वाला डिमोटिवेट तुम्हें अर्चना की बातें बुरी लगती है तुम्हें तुम टू हो आई डोंट थिंक उसकी बातें बुरी लगनी चाहिए यार अंजुम मेरी बहुत अच्छी दोस्त बन गई है एंड uh, मुझे बहुत मज़ा यूजली मेरी बॉन्डिंग ना लड़कों के साथ होती है आलिया और रणवीर मुझे uh आई वॉज़ अ फैन मैं तो बहुत एक्साइटेड थी जब मुझे पता चला कि मैं इनके साथ काम करने वाली हूँ क्योंकि मुझे uh, मेरी जर्नी बहुत ही इंटरेस्टिंग रही मुझे uh, इस नए शहर को देख के इस नई जगह को देख के बहुत मज़ा आया पहले के कुछ दिन बहुत uh, बहुत uh, टूरिस्ट ही निकले हमारे उसके बाद टॉर्चर और सब कुछ सब कुछ गलत होने लगा सडनली ऐसे भूकंप आता है और सब जैसे एड्स में दिखाते हैं ना कतरों के खिलाड़ी के जो एडवर्टिजमेंट्स होते हैं कि लोग डांस कर रहे हैं सडनली भूकंप आ गया क्रॉकर आ गया वैसा ही होता है एग्जैक्टली exactly वैसे ही होता है तो वैसी थी जर्नी अर्चना इज़ अर्चना यार अर्चना विल बी अर्चना एंड अर्चना शुड बी अर्चना तो कोई बात नहीं वो डिमोटिवेट करे हम नहीं होने वाले डिमोटिवेट तो वो उसका तरीका है उसको करने दो अगर तुम्हें बुरा लगता है तो तुम्हें बुरा लगता है तुम अगर तुम तुम्हें अर्चना की बातें बुरी लगती है तुम्हें तुम हो आई डोंट थिंक उसकी बातें बुरी लगनी चाहिए uh, क्योंकि अगर आप उसको थोड़ा भी जानते हो आपको पता होना चाहिए कि वो शी इज़ नॉट मिलिशियस शी इज़ नॉट वो बुरी आपके लिए बुरा नहीं चाहती वो बस है यार एक एक पीस है जो म्यूज़ियम में रहना चाहिए एक ही पीस बनाया है भगवान ने और उसने इतना एंटरटेन किया है चार महीना एक घर में रह के हमको हम सबका प्यार पाया है बहुत चीज़ें गलत भी की है पर वो सीखती भी है फिर भूल भी जाती है फिर वापस सीखती है बट इट्स ओके यार अर अर्चू इज अर चू एंड लेटर बी अर्चू इट्स ओके कुछ गलत होता है तो ऑब्वियसली हम मैंने भी अर्चना के साथ बहुत बार झगड़ा किया है पर उसकी इतनी बड़ी डील आई डोंट थिंक मैंने बनाई है एंड वो समझ जाती है हम समझ जाते हैं और हो जाता है स्टंट मैन जो था वहाँ पे जो स्टंट के पहले ट्राई करता था आई थिंक वो माहिर था <laughs> बाकी आई डोंट थिंक कोई माहिर है बट आई थिंक डीनो ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है डीनो uh, जल बिन मछली नृत्य बिन बिजली था पूरा तो ही वॉज़ वेरी गुड सबसे पहले इसी बिल्डिंग में बने थे अरजित सुंदूस फिर एयरपोर्ट पे अंजुम शिजान uh, शिव Uh, सब सभी बहुत अच्छे दोस्त हैं डेजी रूही रश्मि डीनो किसी को मिस किया ऐश्वर्या नायरा और कौन बचे हैं सब अच्छे दोस्त हैं इट वाज मेरा किसी के साथ ऐसे कुछ बैड ब्लड या व्यवर रिलेशनशिप नहीं था आई आई वाज गुड विद एवरीबडी यार अंजुम मेरी बहुत अच्छी दोस्त बन गई है एंड uh, मुझे बहुत मजा यूजली मेरी बॉन्डिंग ना लड़कों के साथ होती है क्योंकि एम अ वेरी नो नो इशू गर्ल आई एम नॉट मैं क्या कहूँ मतलब मुझे कुछ मेरी बहुत ही है पता नहीं एक है एक मेरा लड़कों के साथ ज़्यादा बॉन्ड होता है पर आई लव इट कि जब मुझे कोई लड़की पसंद आए इस इंडस्ट्री में स्पेशली बहुत कम लड़की आए जिनसे मैं बॉन्ड कर पाती हूँ इट्स नॉट अबाउट लड़की और लड़का एक्चुअली बट इट्स बहुत कम uh, लोग हैं जिनके साथ मैं बॉन्ड कर पाती हूँ एंड अंजुम इज़ वन ऑफ दोज गर्ल्स जिसके साथ मैं बहुत अच्छा बॉन्ड हुई हूँ एंड शी इज़ ऑलसो भी एट द सेम हाइट आई लव इट आई थिंक वो थोड़ी मुझसे लंबी भी है uh, मुझे नहीं लगता था कि मेरे हाइट वाली लड़कियाँ ज़्यादा मुझे मिलेंगी और उस इंडस्ट्री में मिलेंगी सो आई फील सो हैप्पी एंड प्राउड तो आई जस्ट देर इज़ सम कनेक्शन बहुत बहुत प्यारी लड़की है बहुत मोटिवेटिंग है बहुत अच्छी दोस्त है एंड आई एम ग्लैड आई फाउंड कैसा एक्सपीरियंस होगा इट वॉज़ मैजिकल इट इज़ स्टिल मैजिकल इट इज़ स्टिल गोइंग ऑन एंड आई एम लविंग एवरी बिटो फिट ये बहुत ही बहुत ही खूबसूरत सफ़र रहा है और आई uh, होप ये सफ़र जारी रहे और मैं ऐसे ही बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स करती रहूँ और लोग क्योंकि इस पिक्चर को सब ने देखा है तो सब सब तक मेरा काम पहुंच रहा है यू you नो know? तो uh, मुझे वो उस चीज़ से बहुत खुशी मिल रही है क्योंकि इससे मुझे और काम मिलेगा और मैं ज़िंदगी में और आगे बढ़ पाऊँगी और uh, क्योंकि मुझे ये काम करने से बहुत खुशी मिलती है तो आई विल कीप डूइंग आलिया और रणवीर मुझे आई वाज अ फैन मैं तो बहुत एक्साइटेड थी जब मुझे पता चला कि मैं इनके साथ काम करने वाली हूँ क्योंकि मुझे जब मेरे साथ बहुत अच्छे एक्टर्स एक्टिंग कर रहे होते हैं मुझे बहुत मज़ा आता है लाइक like, जैसे कुल्फ़ी में मुझे बहुत मज़ा आता था बिकॉज मोहित थे मेरे साथ एंड वी कुड डू सो मच यू नो एक 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 सीन चौदह चौदह पंद्रह पंद्रह मिनट तक कट नहीं होता था हम नॉन स्टॉप यू नो वी शुड वी यूज़ टू गो एंड इट यूज़ टू बी एक दूसरे को हमने मार दिया है एक दूसरे के कपड़े फाड़ दिए हमने एक चीज़ें गिरा दी है खून निकल रहा है पर हम रुक रह नहीं रहे यू नो इट यूज़ टू बी सो मच फन गमले गिर रहे थे आई रिमेपर सो मेनी थिंग्स हम एक दूसरे को इधर उधर कैमरा हमें फॉलो कर रहा था ऑल्सो कोडोर्स द डायरेक्टर द सेम वे हेयर करण सर ने uh, इतना कम्फर्टेबल फील करवाया हमको सारे एक्टर्स को uh, रणवीर एंड आलिया तो है ही इतने ब्रिलियंट तो उनके साथ काम करने का मौका मिला आई एम जस्ट फीलिंग लकी एंड आई एम फीलिंग सो हैप्पी एंड आई होप मैं और भी अच्छे अच्छे आर्टिस्ट के साथ या रणवीर और आलिया के साथ और काम करूँ ऑफ कोर्स आई होप मैं नज़र आऊँगी अगले आगे आ, बहुत सारी चीज़ों में बट uh, सारे एवेन्यूज ओपन हैं टेलीविजन ओपन है वेब uh, ओपन है फिल्म ओपन है, uh, है तो जहाँ भी मुझे बेस्ट uh, अपॉर्चुनिटी मिलेगी आई विल ग्राप दैट एंड आई कॉन्ट वेट टू कम बैक आई डोंट नो वेब बट आई विल फैंस को यही मैसेज है कि आई uh, होप आपने पिक्चर देखी है शो देखा है um, आई uh, होप मैं आपको थोड़ी पसंद आई हूँ आपने मुझे थोड़ा जितना भी जाना है अभी कुछ हफ़्तों से आई uh, होप मेरा ये सफ़र जो अभी अभी शुरू हुआ है ऐसे ही चलता रहे एंड आपकी दुआ रहेगी तो मैं और आगे बढ़ूँगी और, और अच्छा काम करूँगी